इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, वो डाइट प्लान जो मैंने खुद यूज किया था टू लूज 15 केजीज इन 3.5 मंथ्स। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुरभि हियर एंड यू आर वाचिंग फिट पोटैटो। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, बहुत रियलिस्टिक सा होगा, इकोनॉमिकल डाइट प्लान होगा, नॉर्मल घर का खाना होगा। इसके साथ ही मैं आपको अपनी रूटीन बताऊंगी कि मैं सुबह से शाम तक किस तरीके से क्या क्या करती थी, क्या क्या खाती थी। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैंने मेरा वर्कआउट किस टाइम पे होता था और मैं कितने बजे क्या खाती थी। तो इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और सेकंड चीज़, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी बहुत सारी वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ, तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी थोड़ा सा वर्कआउट करने की, वेट लूज़ करने की या फिर हेल्दी रहने की। तो बिना किसी देरी के लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। मेरा डाइट प्लान जो था बहुत ज़्यादा सिंपल था। पहले मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक करती क्या थी। मेरी सुबह होती थी 6 बजे के आसपास, 6 बजे मैं जागती थी। ऑल दो अब मेरा टाइम बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो चुका है, बहुत रूटीन मेरा बिगड़ चुका है, जो मैं वापस आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से आई एम सुपर बिजी, तो उसकी वजह से मेरा कुछ रूटीन बन नहीं पा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हेल्दी खाना छोड़ दिया हुआ है, नो, आई एम स्टिल ईटिंग हेल्दी, इट्स जस्ट दैट मेरा टाइम जो है सोने का और जागने का वो थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं सुबह 6 बजे के आसपास जागती थी। 2 ग्लासेस लूक वार्म वाटर, 1 ग्लास में मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीती थी और 1 ग्लास जो था वो मेरा सिंपल होता था पानी, गर्म पानी पीने का। उसके बाद मैं करती थी वर्कआउट, उसके बाद नहाना, एंड देन मैं एक फ्रूट खाती थी या फिर ड्राई फ्रूट्स खाती थी। ड्राई फ्रूट्स में क्या, आलमंड्स और किशमिश, मतलब रेजिन्स, ये दोनों चीज़ें, 5 आलमंड्स और 5 से 6 के आसपास मैं किशमिश खाती थी। अगर वो नहीं खा रही हूँ मैं जिस दिन, उस दिन मैं बनाना खाती थी, केला खाती थी सुबह सुबह। उसके बाद कोई आधे पौने घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती थी। अब देखो, मैं सुबह जब केला खा लेती हूँ उसके बाद देखो ब्रेकफास्ट में जो थोड़ी भूख जो मुझे ज़्यादा होनी थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं ओवर ईटिंग से बचती हूँ। मैं आपको थोड़े से ऑप्शंस दे देती हूँ कि आप क्या क्या ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। ओटमील, मैंने अपनी व्हाट आई ईट इन अ डे में भी आपको दिखाया था कि मैं ओटमील खाती हूँ, मैं आने वाली वीडियोस में रेसिपीज भी बताने वाली हूँ। तो ओटमील हो गई, पोहा, उपमा खा सकते हो, काउ मिल्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, मिल्क जितने भी होते हैं। जो मैं आलमंड्स खाती थी वो भी प्रोटीन होता है, उसमें हेल्दी प्रोटीन होता है, उसमें हेल्दी फैट भी होता है। कैरेट दलिया खा सकते हो आप, उसके बाद मैं उसकी भी रेसिपी लेके आऊँगी। उसके बाद आप खा सकते हो बनाना पीनट बटर सैंडविच खा सकते हो, नॉर्मल सैंडविच खा सकते हो चीज़ डाल के, बट प्लीज़ मेक श्योर यू आर यूजिंग ब्राउन ब्रेड, वो भी ब्राउन ब्रेड के भी इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। कई ब्राउन ब्रेड जो होते हैं उसमें मैदा होता है, ब्राउन ब्रेड हमें वो यूज़ करना है जो जिसमें मैदा ना हो, या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करिए। ओट्स पैनकेक्स खा सकते हो आप, नॉर्मल आटे के पैनकेक्स बना के खा सकते हो, स्मूदी बना सकते हो और शेक्स बना सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक होता था। मिड मॉर्निंग स्नैक में मेरे को ज़्यादा भूख लगती नहीं है, तो मैं या तो कोई भी फ्रूट खा लेती हूँ, या फिर मैं ग्रीन टी पीती हूँ, या फिर मैं कभी कभार नॉर्मल चाय भी पीती हूँ, जैगरी वाली। चीनी मैं नहीं खाती हूँ, चीनी मैंने बिल्कुल बंद कर दी हुई है, चीनी से रिलेटेड, चीनी इंग्रेडिएंट भी जिसमें होता है मैं वो भी नहीं खाती हूँ। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप फ्रूट्स खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, पर मिड मॉर्निंग स्नैक हमें ज़्यादा भूख लगती नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट जो होता है वो हैवी किया होता है। फिर आ जाता है लंच, लंच मैं करती हूँ 1:30 से 2 बजे के आसपास। लंच में नॉर्मल जो नॉर्मल खाना होता है, चावल, दाल, सब्जी, सैलड, दही, अचार, ये सब चीज़ें होती हैं मेरे लंच में। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप चावल नहीं खाते हैं, अगर आप रोटी खाते हैं तो प्लीज़ आप रोटी ही खाइए सिर्फ,
दोनों चीज़ों को साथ में मिला के नहीं खाइएगा कि लंच में आप चावल भी खा रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप चावल ले रहे हैं तो थोड़े से चावल लीजिए, दाल लीजिए और सब्जी लीजिए। प्लीज़ इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स इन योर लंच एंड डिनर। मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। देखिए, चावल, दालें आप सारी खाइए, दालों में बहुत प्रोटीन होता है, और जब दालों को आप चावल के साथ मिक्स करोगे तो वो एक और हेल्दी प्रोटीन बनता है। तो चावल, दाल, उसके बाद राजमा खाइए। वाइट चने हैं, ब्लैक चने हैं, चने जो होते हैं में बहुत प्रोटीन होता है, राजमा में बहुत प्रोटीन होता है। न्यूट्री खा सकते हो, विच इज़ सोया ग्रेन्यूल्स, सोया, उसके बाद पनीर खा सकते हो आप। और सब्जियां जो हैं वो आप सारी खाइए, सब्जियां मत छोड़िए कोई भी। इसके अलावा ओट्स की खिचड़ी बनती है एक, मैं उसकी भी रेसिपी लेके आऊँगी, आप वो खा सकते हो। वो नहीं खाना चाहते हो, ओट्स अगर नहीं पसंद है, तो दलिया की खिचड़ी बनती है, आप वो खा लीजिए। दलिया जो है वो एक सुपर फूड है, इंडिया का सुपर फूड है वो एक तरह का, तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। बहुत हेल्दी होता है और बहुत सस्ता मिलता है ये दुकानों पे, इसका पैकेट बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। इसको लेके आइए, इसका बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं जो मैं आने वाले वीडियोज़ में लेके आऊँगी। उसके बाद आ गया हमारा इवनिंग स्नैक। अब इवनिंग स्नैक ऐसा होता है जिस टाइम पर हर बंदे को भूख लगती है। इवनिंग स्नैक में आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी को थोड़ा इंक्लूड करो अपनी डाइट में। अगर अच्छी नहीं भी लगती है, थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करोगे तो एक बार टेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको वो चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी। ब्लैक कॉफ़ी के साथ आप मखाने खा सकते हो, ब्लैक चने खा सकते हो, स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स आप ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो, स्प्राउट्स का चाट बना सकते हो। रोस्टेड ब्लैक चना है, रोस्टेड पीनट्स हैं, मैंने अपनी हेल्दी स्नैक्स वाली वीडियो में भी आपको बताया था। और अगर ज़्यादा भूख लग रही है तो एक ब्रेड ले लीजिए, उसके ऊपर चीज़ डालिए और वो खा लीजिए। रैप बना सकते हो, लेकिन उतनी भूख अगर लग रही है तो, वरना रहने दो। फिर आ जाता है डिनर। अब डिनर जो है उसको आप ट्राई करिए जितना लाइट रख सकते हो, और प्लीज़ मेक श्योर कि भाई आप डिनर और सोने के टाइम में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का अंतर रख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रात को बहुत लाइट डिनर करना है, और डिनर के ऑप्शन सेम वही होंगे जो आप लंच में खाते हैं, बस थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस कर दीजिए। सूप्स बना के पी सकते हैं आप, पम्पकिन का सूप बहुत टेस्टी बनता है, वेजिटेबल सूप बनता है, लेकिन बाहर के सूप्स मत लेके आइए पैकेट, खुद घर पे बनाइए। अभी वैसे सर्दियां नहीं हैं, गर्मियां हैं, तो अभी सूप पीने का वैसे भी मन नहीं करेगा, पर अगर कभी कभार करता है तो आप सूप पी सकते हो डिनर में। और रात को सोने से पहले, मैं जो पीती थी अपने वेट लॉस जर्नी के टाइम पर, अभी मैंने थोड़ा टाइम बंद किया हुआ है, मैं पीती थी जिंजर सिनेमन टी, जो मैंने नॉर्मल बनती है, सिर्फ जिंजर और सिनेमन को पानी में उबालना होता है अच्छे से, उसको अभी मैंने बंद किया हुआ, क्योंकि जिंजर और सिनेमन जो होता है वो दोनों गर्म होते हैं। तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, ग्रीन टी नहीं पीनी है तो टर्मरिक मिल्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सब बात कर रहे हैं आज के टाइम पे टर्मरिक मिल्क के बारे में, इम्यूनिटी, टर्मरिक जो होता है वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, तो आप टर्मरिक मिल्क पियो, इससे नींद भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ऑल इन ऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में अच्छे से प्रोटीन लीजिए, हेल्दी फैट होना चाहिए, घी खाइए, घी हेल्दी फैट होता है, इतना नहीं, ज़्यादा नहीं खाना है पर थोड़ा बहुत खाना है। जैसे रोटी खा रहे हैं तो उसमें घी लगा के खाइए, कुछ नहीं होगा, ताकतवर बनाता है हमें घी। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए प्रोटीन के ऑप्शंस क्या थे, पनीर, पीनट खाती थी मैं, पीनट बटर, दूध पीती हूँ, दही खाती हूँ, उसके अलावा सोया, न्यूट्री जो होती है, हम न्यूट्री का चाट बना सकते हैं, न्यूट्री का सैलड बनता है बहुत अच्छा। मैंने बड़े सारे डिनर ऑप्शंस मैं लेके आने वाली हूँ, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ये एक तरीके का मेरा डाइट प्लान था। मैं आने वाली वीडियो में अब आपके साथ एक एक हफ्ते का डाइट प्लान शेयर करूँगी। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं एक सीरीज़ टाइप बनाऊँगी जिसमें हर एक हफ्ते का डाइट प्लान शेयर करूँगी, ताकि क्या हो कि आप मंडे संडे तक एक पूरा का पूरा डाइट प्रॉपरली कर सकें। मैंने कैलोरीज़ के बारे में अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि कैलोरीज़ जो हैं उनको अपना काउंट करना शुरू करिए, क्योंकि कैलोरीज़ जो हैं, देखो, वेट तभी लॉस होगा जब आप जो कैलोरीज़ खा रहे हो उससे ज़्यादा आप कैलोरीज़ बाहर निकाल रहे हो, मतलब कैलोरीज़ बर्न हो रही हैं उससे ज़्यादा। अगर कैलोरीज़ जो आप जितनी खा रहे हो उतनी ही बर्न हो रही हैं, तो आपका वेट जो है वो मेनटेन रहेगा। और अगर आप कैलोरीज़ जितनी खा रहे हो, मतलब जितनी ज़्यादा खा रहे हो उससे कम बाहर निकाल रहे हो, तो वेट आपका बढ़ेगा।
तो मैंने उसके बारे में भी बात किया था, उसको भी समझिए, उसके अकॉर्डिंग अपना खाना शुरू करिए। ये जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं इनको खाना शुरू करिए, बहुत टेस्टी होंगे। चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है वो है मैदा, मैदा बंद करिए, चीनी जिसमें ज़्यादा है कंटेंट उसको बंद करिए, वाइट ब्रेड को बंद करिए जो मैदे वाली ब्रेड होती है, बाहर की चीज़ें जंक फूड हो गया, उसके अलावा जो ये प्रोसेस्ड फूड होता है चिप्स चॉकलेट ये सब बंद करिए, चॉकलेट खाना है तो डार्क चॉकलेट खाइए, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी को इंक्लूड करिए, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। ऑल्सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि यार हम सबकी बॉडी अलग है और हम सब पे हर चीज़ का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। देखो कभी कभार अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो हर बंदे पे उस चीज़ का अलग दिमाग में इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही हम जो खाते हैं उसका इफेक्ट हर बॉडी पे अलग पड़ता है। तो अगर हमारा वेट, जैसे किसी का वेट 1 kg लूज़ हो गया एक हफ्ते में, दूसरे का 0.5 kg लूज़ हुआ, तो हमें हार नहीं माननी है, हमें आहिस्ता आहिस्ता चलते जाना है और वेट लूज़ करते जाना है। और वेट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो भी हमें अपना अच्छे से वेट मेंटेन करना है, क्योंकि देखो जो चीज़ें मेरे पे एकदम से मतलब मेरे पे काम की, ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे एकदम से काम करें, हो सकता है कि बीच में आपका वेट स्टक हो, बट मोटिवेटेड हमेशा रहना है। जैसे हर एक इंसान आज के टाइम में कितनी प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहा है, कितनी उसके दिमाग में स्ट्रेस है, कितना कुछ है, पर फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये सोच के कि कभी ना कभी हमारे साथ अच्छा होगा। यही सेम चीज़ हमें वेट लॉस में भी होता है हमारे साथ कि यार किसी दिन ऐसा होता है कि हमारा वेट मतलब स्केल पे आपको आगे पीछे बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कितने कितने दिन तक, कभी कभार ऐसा भी होगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें यही सोचना है कि हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमारा वेट भी लूज़ होगा। अपने लिए हमेशा अच्छा सोचना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, तो आपके साथ लाइफ में अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव ही होगा। इसी के साथ मैं अपनी ये वाली वीडियो खत्म करती हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।